माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम पे भरोसा है, वो भरोसा एक दिन में नहीं जीतो जा सके सचिन भैया, भरोसे जीते दिलाने एक दिन में नहीं, 20 साल लग गए है। अभी जाना थे राजनीति करके ऐसा होता है कि यार कि भैया कोई प्रचार ना करे, कोई काम ना करे, कोई गरीब परिवार के लोगों को विधायक बनने का अधिकार नहीं है क्या? एक सामान्य परिवार के लड़के ने ठाना कि हमें भी विधायक बन के लोगों की सेवा करना है, तो मैंने कोई पाप किया था क्या? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में जो तथाकथित लोग हैं उनके दिमाग में ये है कि राजनीति केवल हमारे लिए बनी है, राज केवल हमारे लिए बने हैं। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते ही जो नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए तो लंबा वक्त हो गया है और नए नए विधायक भोपाल पहुंच रहे हैं, कहा कि विधानसभा को सत्र चल रहा है और हमारे संगे आज बुंदेलखंड के बड़े चर्चित और युवा और नए ताजे बढ़िया विधायक जी जो है अरविंद पटेरिया जी हमारे संगे हैं। राजनगर सीट से चुनाव जीत के आए हैं, बुंदेली बोछार के स्टूडियो पहुंचे। अरविंद भैया राम राम। राम राम सचिन भैया, क्या है बताओ, कैसे लग रहा हो? आनंद आ रहा हो विधानसभा बढ़िया घूम घाम के? निश्चित रूप से जो अपनों एक सोच व्यस हुआ तो के राजनीति के माध्यम से सेवा तो अपन कर ही रहे थे जनता की, लेकिन ऐसा मान हुआ तो के विधायक बन के जो और छूटे हुए काम हैं, जो आदमन के काम नहीं करा पा रहे, तो निश्चित रूप से आज हमें लगा था कि अब हम और ज़्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे और जनता ने हमें प्यार स्नेह आशीर्वाद दो है, ईश्वर ने मदद करी है, तो हम आज ही स्थान तक पहुँचे हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, हमें निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। पिछली बार 600-700 वोटन से रह गए थे आप, बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़े थे, टिकट मिली, कछु समीकरण ऐसे बने सामाजिक के बहुत कम वोटन से आप चुनाव हार गए। ई के बाद कैसे वापसी करी और 5 साल में जो आपने कौन से ऐसे काम आपको लगा जो करे जी वजह से ई बार जनता ने आपको मौका दे दो? हमने भैया सचिन भैया वो विधानसभा में गए, हमें पार्टी ने मौका दो, हमें कल्पना नहीं आती कि पार्टी हमें इतने जल्दी टिकट दे दे। हमने तो प्रयास करो थे कि भाई चूँकि संगठन में काम करत काफ़ी साल हो गए थे, तो अब कही कि भाई चूँकि समाज सेवा करने हैं, लोगों ने काम कराने हैं, दुख लाने, जनप्रतिनिधि बनवो जरूरी है, तो अपन ने टिकट मांगी, पार्टी ने टिकट दे दी, अचानक 15 दिन चूँकि हमें चुनाव प्रचार करे हमें ले, तो ये तरीका को माहौल बना दा बहुत पिछली बार कि भैया फाइट ही में नहीं है, भाजपा चौथे पे है, चूँकि अपन नए हते उस क्षेत्र के लाने, और हमने देखो कि उस क्षेत्र में लोगों ने बेचारे है जो होते कि जनता है थी, उन्हें विकास से कौन सरोकार नहीं है, तो ना उन्हें काम से कौन सरोकार, उन्हें देखे ही नहीं हते काम 20 साल से जो उधर पे जनप्रतिनिधि हते जो भी नेता हते वे काम जनता हाँ उन्हें सीखने ही नहीं दा हुआ कि तुम हमसे विकास मांगो, तो हमसे काम मांगो, नहीं तुम अपने घरे रहो, हम अपने घरे हैं। हम जब पहुँचे और हमने देखो कि अरे ये तो राजनीति ही प्रकार की है, जनता बेचारी वो उन्हें पता ही नहीं है कि नेता का जो करत भी है, और हमने जो अभी पहले भी आपसे कही कि हम राजनीति केवल पद के लाने विधायक बनने के लाने नहीं कर रहे थे, हम सचिन भैया जो हमने अपने काम से भी दिखाओ है कि हम चुनाव हारने के बाद भी चूँकि हमने कही ना कि हम समाज सेवा के लाने राजनीति करें के लाने आए, यही से नहीं कि हम भाषण में बोल रहे आपके बीच में बोल रहे, जो हमने कामन से कि आदमी जीते के बाद उतनी मेहनत ना करे जितनी हमने हारवे के बाद मेहनत करी थी, और जनता के बीच में जैसे ही हम हारे और हमें इतना कम अंतराल से हारे कि हमें वास्तव में कष्ट हुआ कि जनता हमें समझ नहीं पाई कि हम और कछु करवे आए, हम वो करवे नहीं आए जो अभी तक होत रहो, आप समझ ही नहीं पाई थी, सीधी जनता है थी, भोली वाली जनता थी हमारे क्षेत्र की। 5 साल हमने हारवे के बाद दूसरे दिन हम क्षेत्र में निकल गए थे भैया, और हमने 5 साल जो तरीका से जनता के बीच में एक परिवार भाव में ले गए और क्षेत्र को अपना परिवार मान करके, क्षेत्र को विधानसभा को अपना परिवार मान के जो हमने काम करो, जनता ने हमें भरपूर प्यार दो। 5 साल हमने विधायक ना रहते भाई भी आप भी गए हो घूमत रहा, तो चूँकि क्षेत्र में आपको प्रवास होत रहा, देखो गए कि आदमन ने विधायक बन के ना करो जो हमने बिना विधायक ही में काम करो है, चाहे वो रोड हो, चाहे विकास हो, चाहे नगरी क्षेत्र में हो, चाहे गांवन में हो, लोगों की सुख दुख में हो, लोगों को इलाज हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने बिना विधायकी में करवे को प्रयास करो, जनता ने हमें और ज़्यादा आशीर्वाद इसे दो कि उन्हें पता है कि इच्छा शक्ति और कछु भी है,
चोर का जो भी कर वो चाहत, और जनता जो मान के चुनाव लड़ रही थी, हम तो चुनाव लड़ ही रहे थे, लेकिन हमें चुनाव लड़ लड़े जो आवाज होने लगे तो जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता हमें जो आवाज हो, हम जनता 20,000 से हमें चुनाव जीता है, हमें जो पूरा पूरा भरोसा है, तो हमें लग रहा हो तो कि जनता हमारे संग है, और परिणाम अपन दिखाई दो कि भाई हाँ परिणाम हमारे पक्ष में आओ, अंतराल जलू कम होगा वे कुछ कारण से, लेकिन जनता ने हमें जिता के आपके बीच में भेज दिया। अंतराल के कारण पे भी आए, लेकिन शुरुआत में कही जा रही थी कि त्रिकोणीय संघर्ष है, और त्रिकोणीय संघर्ष जैसी स्थिति है, कछु भी हो सकत, तो जो त्रिकोणी से दो कोणी कैसे हो संघर्ष? जो भैया ही के पीछे अगर अपन जय हैं, तो जो सही कह रहे हैं आपके जो लोग कह रहे थे, और चुनाव भी त्रिकोणी है, तो क्योंकि भाजपा कांग्रेस और हाथी तीनों चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आपको पता है कि घटना ने इस तरीके से झूठी अफवाह फैला करके, झूठी बातें फैला करके इस तरीके से कर दिया कि लोगों की सहानुभूति मिले। अब मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि इतनी घटिया राजनीति करके लोग विधायकी हासिल करना चाहेंगे, तो भैया मैं दान में दे देता। मुझे नहीं था कि किसी की मतलब हत्या हो जाए बेचारे की, कोई ख़त्म हो जाए, कोई मर जाए, और इसकी लाश पर राजनीति करके विधायकी की इच्छा रखे कोई। मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, वो चुनाव जो हुआ एक दिन में फिर चुनाव पलटा, आमने सामने का चुनाव हुआ, कई पोलिंग बूथों पे तो भैया हमारे एजेंट नहीं बचे, जिस तरीके से हम संघर्ष करके चुनाव जीते हैं, जनता का आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था, मतंगेश्वर का आशीर्वाद था, तो हमें यहाँ आना था, और हम ईश्वर हमें यहाँ तक लेकर के आए। तो वही घटना के बारे में जो है आपने अलग अलग बयान तो दई हैं समय समय पे, लेकिन वो घटना की मतलब तह में अगर जाएं तो का वो घटना की असल वजह आपको दिखाई दे रही? देखो भैया मैं फिर कहूँगा कि मैं घटना की गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जो घटिया राजनीति करके ऐसा होता है कि यार कि भैया कोई प्रचार ना करे, कोई काम ना करे, कोई गरीब परिवार के लोगों को विधायक बनने का अधिकार नहीं है क्या? एक सामान्य परिवार के लड़के ने ठाना कि हमें भी विधायक बन के लोगों की सेवा करना है, तो मैंने कोई पाप किया था क्या? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में जो तथाकथित लोग हैं उनके दिमाग में ये है कि राजनीति केवल हमारे लिए बनी है, राज केवल हमारे लिए बने हैं, तो उनकी सोच है। हमें तो ये था कि लोकतंत्र में कोई भी अगर व्यक्ति काम करे, मेहनत करे, जो जनता उसको आशीर्वाद देती है, वही सोच करके हम कर रहे थे। और हमें परेशान, आपने देखा होगा किस तरीके से संघर्ष करते हुए हम यहाँ तक आए हैं, हमें कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, हमारे परिवार को कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, हमारे साथ जो बेचारे लगे हुए लोग थे उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो सही होता है उसका ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आने वाले समय में भी चूँकि हमारी जो सोच है वह सकारात्मक है, जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं, तो ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। ईश्वर भी आपको साथ दे रहा है। लेकिन जी तरीके से छतरपुर जिला के चुनाव परिणाम की अगर बात करें, शुरुआत से कही जा रही थी कि पूरे बुंदेलखंड में सबसे कमजोर चल रहा छतरपुर भाजपा के लाने, लेकिन अचानक से ऐसो काभों के 6 में से 5 बिल्कुल एक तरफा होगा। इस विषय पे मैं इतना ही कहूँगा भैया कि कुछ नहीं था, हम लोगों को पता, हमसे कोई बात करता था तो हम लोग बताते थे कि भैया हम 6 में 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कौन जनता जान रही थी, जनता को वोट करने, जो वोट करना था जिनको वो जान रहे थे, लेकिन कुछ लोगों में जैसे कांग्रेसी तो ठीक है, उनका तो कहना ठीक है कि हाँ भैया हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जिनके मन में बैठ गया था कि हाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो वो बोल रहे थे। आपने देखा, परिणाम आपके सामने है कि हम 6 में 6 सीटें जीतते लेकिन 5 जीते, एक सीट हमारी कहीं से लूज हुई है। तो पूरे मध्य प्रदेश में, हम अपने छतरपुर जिले की नहीं,
पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके का बात होना, कांग्रेस आ रही कांग्रेस आ रही, एग्जिट पोल आए उस टाइम पे भी लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। और हम कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सब कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं फाइट ही में नहीं है। आज तक ने 140 से 152 तक दिखाई, 151 तक, तो उनको लोग बदनाम कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो उससे ज़्यादा निकले। क्यों? क्योंकि हमारे जो मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हती, जनता भाजपा पे भरोसा हुआ, तो परिणाम आपके सामने है। एक और बात, लगातार अब तो चूंकि आप विधायक भी बन गए हो, जनप्रतिनिधि हो गए, एक लोग कहते हैं कि भैया छतरपुर जिला में प्रदेश अध्यक्ष जी के बिल्कुल राइट हैंड है अरविंद पटेल, या जिले की राजनीति को बड़ो प्रभावित करा थे, और इस तरीके के बेर बेर आप पे जो है उंगली उठाओ, तो उनको कितनो सकारात्मक कितनो नकारात्मक तथ्य देखा था? हम इसके बारे में ज़्यादा सचिन भैया सोचत नहीं है, हम इसे नहीं सोचत कि उनको तो देखो काम है, वो तो करेंगे, इसे काम है भैया कि आज तक ऐसे सामान्य परिवार के लड़का इस स्टेज तक पहुँचे नहीं है ना, कैसे कोई स्वीकार कर ले हमें कैसे, ये सत्य बात भी है। देखो सामान्य परिवार को लड़का आज विधायक बने और जिला की राजनीति कर है या जिला में हस्तक्षेप कर है, तो कैसे बर्दाश्त हुए, तो बदनाम करें को है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात रही तो प्रदेश अध्यक्ष जी आज थोड़ी हमसे जुड़ गए कि भैया भी हो तो सांसद बन गए सो जुड़ गए, ये पहले भी हमने आपसे बताई थी कि भैया जब हमने राजनीति की ABCD सीखी तब प्रदेश अध्यक्ष जी से सीखी, हम विद्यार्थी परिषद के जिला आंदोलन प्रमुख बने थे, तो नहीं कि नेतृत्व उन्होंने दिए, महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के, फिर वे हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे तो हम जिला संयोजक रहे, फिर भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे तो हम जिला संयोजक रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन में थे तक हमने राजनीति करी, युवा मोर्चा में रहे तब भी हमारे प्रदेश के महामंत्री रहे, फिर हम भाजपा में रहे भी हमारे प्रदेश के महामंत्री रहते, हम जिला के महामंत्री रहते, तो आज से नहीं लगभग जब से हमने राजनीति शुरू करी तब से उनके साथ में रह गए, उनने हमें राजनीति सिखाई है, आज हमारे लाने हाँ जो सौभाग्य है कि उतने से भी सांसद बन गए, सांसद बन गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। और भाई इसे नहीं कि अरविंद पटेल या उनके कौन रिश्तेदार हैं सो उन्हें स्थापित कर दो, हम पहले से छतरपुर जिला की राजनीति कर रहे थे, हमारा जो सौभाग्य है कि भाई खराव से सांसद बने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हाँ प्रदेश अध्यक्ष और सरकार है तो भाई प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे चलाने के लिए नहीं, लोगों के काम कराना, हमने काम जितनी स्पीड से कराए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद जी के माध्यम से विकास का कराए, तो उनकी चर्चा है, उनकी चर्चा से उनके पेट में दर्द है, उनको ये लगता है कि यार मतलब हम विधायक नहीं थे लेकिन माननीय सांसद जी के, चूंकि हमारी जो विधानसभा है वो खराब संसदीय क्षेत्र में आती है, वो उनका क्षेत्र है प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो जो उनने विकास कार्य किए तो लोगों को ये लग रहा था कि भैया बिना विधायकी के काम कर रहा है, बिना विधायकी के लोगों की मदद कर रहा है, बिना विधायकी के क्षेत्र में काम करवा रहा है, तो इससे लोगों के पेट में दर्द था और कोई तकलीफ नहीं थी। आज जो और लोगों उनसे पूछो ना जिनको हम लोगों ने मदद की, जिन जहाँ पर हमने काम किए, जिन नगर पंचायतों में, आज तकलीफ उनको है, पहले नगर पंचायतें भाजपा के पास नहीं रहती थी, आज तीनों की तीनों भाजपा के पास, पहले जनपद भाजपा पे नहीं रहती थी, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनपद भी हमारे पास हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं वो हमारे पास हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे वो स्वीकार करेंगे, जिन भी 20 सालों से राज करते आए हों, आज उनके राज अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो चिल्लाएंगे और टिप्पणियाँ करेंगे, उसका परिणाम है जो वो कर रहे हैं। इसे भैया अपना उनको नहीं सोचो, अपन ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर तो है ना कि उन्हें बदनाम करें के लाने, हमें बदनाम करें के लाने, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम पे भरोसा है, वो भरोसा एक दिन में नहीं जीत हो जा सका सचिन भैया, वो भरोसे जीते के लाने एक दिन में नहीं 20 साल लग गए है, और वे जानते हैं कि अरविंद पटेल ऐसा कोई काम ना करे जिसमें BD शर्मा की साख पे बट्टा लगे, हमारी चाहे राजनीति राय चाहे ना राय, इसे भरोसा करत
और नेता तो ठीक है, एक भाई के रूप में हमें भी ताकत दे थे जिससे हम उस क्षेत्र में काम कर पाऊते। आखिरी सवाल, कि अब आप विधायक बन गए हो, सांसद जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो तो पहले से बेहतर चमचमाई रहो, थोड़ी सी और बाजार भी ठीक ठाक होते को हो जा रहो, बाकी राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लाने ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो आपने सोच के रखी? हमारा भाई ऐसा सोच हुआ है कि हमारा क्षेत्र पूरा किसान प्रधान देश है, मतलब वो विधानसभा है, पूरा खेती पर डिपेंड है। हाँ, खजुराहो एक एरिया है, वो जरूर मतलब टूरिस्ट है, लेके वर्ल्ड हेरिटेज है अच्छी, और हमें लाने जो सौभाग्य के बागेश्वर धाम हम आए विधानसभा में आउट है। तो निश्चित रूप से इसके अलावा हम अपने जो क्षेत्र की, वैसे तो हमारी सरकार ने विधायक जरूर ना रहे, लेकिन सरकार ने इतने काम कर रहे हैं सिंचाई की, जो बची हुई जो क्षेत्र है उनमें पानी कैसे पहुँचे, और हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल हैं, कई जगह ऐसे हैं कि जनप्रतिनिधि ना होवे के कारण, उनकी इच्छा शक्ति ना होवे के कारण उन स्कूलों को उन्नयन नहीं हो पाओ, जहाँ 8वीं है तो 10वीं नहीं हो पाओ, 10वीं से 12वीं नहीं हो पाओ। और हमारे जो नौजवान भाई हैं उनके लाने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की का व्यवस्था हो, बुंदेलखंड में पलायन बहुत हो, हमारे जो गरीब परिवार के लोग बेचारे उनके लाने के ऑप्शन रात कि खेती ना भाई, सुबह कहाँ बुंदेलखंड छोड़ के बुंदेली चले गए, जम्मू चले गए, तो उनके पलायन पर कैसे अपन अंकुश लगा पाएँ, उन्हें कैसे इतनी रोज़गार दिला पाएँ। एक लाने शुरुआत कर भी भैया, जो इच्छा शक्ति हमारे मन में इच्छा है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें बेचारा ने इतनी रोज़गार मिले, उन्हें परिवार छोड़ के बाहर ना जाने पड़े, यही काम है। और जो छूटे हुए काम हैं उन्हें सबका कर भी वो अपने क्षेत्र में प्रयास कर। तो भैया जो नए नए काम है वो करने को प्रयास करें, फिलहाल युवा विधायक के तौर पे निश्चित तौर पे क्षेत्र की जनता को भी उम्मीद है, बुंदेलखंड के और भी तमाम जो हम सब लोग हैं उनको भी उम्मीद है कि युवा लोग राजनीति में आए, पद पे पहुँचें तो क्षेत्र के विकास के लाने और बेहतर काम करें। राम राम भैया। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।